मॉर्निंग पे भी है, अभी है मतलब आफ्टरनून ही है, लेकिन जब भी मिलो गुड मॉर्निंग बोलो। तो आज है ना मैं आपको लेके जा रही हूँ लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट भी हाँ, क्योंकि आज जो थोड़ा सा दिल्ली में वेदर बहुत अच्छा है, देख सकते हैं बादल वादल है और धूप जो है थोड़ा नहीं, तो फिर मैंने कहा आज चलते हैं मार्केट। और आपको वैसे तो लाजपत नगर मार्केट सबको पता है उसमें वहाँ पर क्या क्या होता है, लेकिन कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत सारी जो लोग बहुत दूर बैठे हैं उनको नहीं पता कि रामदीस हंस भी क्या है, डोलमा आंटी के मोमोज क्या होते हैं, इस तरह की छोटी चीज़ें मैं आपको वहाँ की दिखाऊंगी। तो आप देर नहीं करते चलते हैं लाजपत नगर मार्केट। तो अच्छा है ये सारे 100 रुपए के ये और ये वाली अलग अलग रेट है मैडम सबकी, निकालेगी पैकिंग में से और एक और निकालेगी। 100 रुपीज पर पीस, इसमें कितने हैं? 6 पीस। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आप लाजपत नगर मार्केट आते हैं ना, तो यहाँ पर एक खोखा मार्केट है, वो उधर सेंटर में ही है बिल्कुल, तो वहाँ पे ना इस तरह के आपको सूट मिल जाएंगे, पर मेरे हिसाब से थोड़े से ना एक्सपेंसिव हैं वो, क्योंकि कोई भी मैंने सूट अगर जो उनसे पूछा तो कोई भी सूट 1500-1600-1700 रुपये से कम का नहीं था, फिर रेंज बढ़ती ही गई। आप ये जैसे येलो वाला देख रहे हैं, इन्होंने मुझे कोड किया था 1500 रुपये, और ये जो था ये थोड़ा सा और महंगा था, ये शरारा के साथ था। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है खोखा मार्केट, पर यह कि वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, चिकन वर्क वाला काम के कुर्तियाँ भी आपको मिल जाएंगी, पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। देखिए ये वाला देखिए कितना इन्होंने मुझे आई थिंक 1700 रुपये इस तरह का कोड किया था, लेकिन अच्छा था कपड़ा, पर मैंने फिर वो लिया नहीं, तो क्योंकि मेरे को तो सिर्फ मार्केट एक्सप्लोर करना था, बस मैं आपको दिखाना चाहती थी कि इस तरह की वैरायटी मिलती है। ये कुछ इसमें बाजू भी बहुत अच्छी हैं, मैंने इसको खोल के देखा था सूट को, मैं भी आपको दिखाती हूँ आपको कि कितना है, मतलब अच्छी खासी लेंथ में था, 48 से कम इसकी लेंथ नहीं थी। देखिए इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आपको, बाजू बहुत अच्छी थी इनकी, मतलब स्लीव्स बिल्कुल फुल स्लीव थे, मतलब ये सैमी स्टिच था, आप इसको जिस तरह से अपने नाप का आप सिलवा सकते हैं, तो इस तरीके से था, लेकिन सूट अच्छा था। और साथ ही साथ में ना इसके अलावा हम किसी एक और शॉप पर भी गए थे, तो यहाँ पर और भी एक्सपेंसिव थे ये जितने भी आपको दिखा रहे हैं ना, तो उसी लाइन में था जहाँ पर ये खोखा मार्केट के अंदर ही एक और शॉप है। तो फ्रेंड्स, हमने एक और शॉप को एक्सप्लोर किया था, इसका नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये पावा इंटरप्राइजेस शॉप है, ये नाम है इनका पावा, जैसे PAWA। तो यहाँ पर भी इनके सूट अच्छे थे, लेकिन ये और ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, ये इन्होंने मुझे कोट कर रहे थे कोई 3700 या 4200, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। उसके बाद में सारे के सारे आपके जितने भी सूट आप वो दिखा रहे थे वो बिना किसी लाइनिंग के नहीं बनते, तो अप्रोक्स आपका एक जो अगर आप पूरा सूट बनवाएंगे तो मान लीजिए आपको 5 से 6 हज़ार रुपये का वो पड़ने वाला था। पर मैंने बस दिखाया कि यहाँ पर कि देखिए इस तरीके से है एक, ये इसमें शिफॉन की चुन्नी थी, ये वाला भी इन्होंने मुझे 3700 उनका कोड किया था, पर वो जितना अगर वो कोड कर रहे थे ना उस हिसाब से मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, मतलब इतना महंगा कपड़ा और उसके बाद भी अगर आपके पास चॉइस नहीं है तो वो मुझे पसंद नहीं आया। मतलब ये जो सूट है कम से कम 1500 रुपये के आसपास अगर है तो आप उसको ले सकते हैं, तो पर ये इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगा करा हुआ था। अब वैसे भी सेंट्रल मार्केट थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो है ही, पर कलेक्शन बहुत अच्छी है, अगर आपके आपको अपनी जेब जो है बहुत भर के लेके जानी है आप उसमें आप जा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसका दुपट्टा था ये, और ये देखिए ये येलो वाला था,
इसमें इस तरीके का ना कट वर्क वाला दुपट्टा था, तो ये भी इन्होंने मुझे आई थिंक 4000 से भी ऊपर का कोट किया था ये। लेकिन इसका दुपट्टा मुझे थोड़ा सा ना, मतलब 4000 के हिसाब से दुपट्टा बहुत अच्छा होना चाहिए, वो चीज़ नहीं थी, ये ऐसे था, तो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। तो मैं बस आपको दिखाने के लिए कि भैया वहाँ पर क्या क्या मिलता है लाजपत नगर में, फिर मैं और किसी मार्केट में चली गई। ये देखिए यही है खोखा मार्केट जो आप देख रहे हैं ना। अब इसके बाद मैं आ गई हूँ रामजी सन्स। देखिए रामजी सन्स, मैंने जैसे आपको बताया रामजी सन्स एक बहुत बड़ा मतलब शोरूम है। इसमें देखिए 3 मंजिला 4 मंजिला है कम से कम। इसमें आपको एक से एक वैरायटी मिल जाएगी फैब्रिक की, 100 रुपये से लेकर मतलब 50 रुपये से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना। तो मैं दुपट्टे के लिए वहाँ पर गई थी। आप गाइस अब यकीन नहीं करेंगे, इतने अच्छे दुपट्टे थे, ये सारे लहरिया दुपट्टे हैं और वो ओनली 175। मतलब अगर मुझे कुछ पूरी मार्केट में अगर कुछ सस्ता लगा है तो रामजी सन्स के दुपट्टे ही लगे हैं। तो मैंने वहाँ से 2 दुपट्टे बाय किए थे, आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ से मैंने 2 लिए थे, लहरियाँ हैं दोनों, पर दोनों दुपट्टे बहुत अच्छे हैं। लेंथ वाइज पूरा 2.5 मीटर उनका लेंथ है, और जैसे रिंकल है जिसमें रिंकल जैसे कपड़े होते हैं उस टाइप का है, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं। और 175 में बहुत अच्छे दुपट्टे हैं गाइस। ये देखिए ये वाला दुपट्टा मैंने लिया था, तो बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आप दुपट्टे अगर अपना चाहते हैं कि बाय करना तो आप रामजी सन्स में जाइएगा। देखिए ये वाला दुपट्टा है, ये वाला बहुत अच्छा दुपट्टा था, ये ऑर्गेन्जा में था गाइस, और इसमें इस तरीके से कट वर्क था, जो कट वर्क में लखनवी जो होता ना चिकनकारी वर्क वो था, लेकिन ये 475 का था और ये 175 का था। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपका है बजट कि भाई आप चाह रहे हैं कि आपको दुपट्टा लेना है, तो रामजी सन्स में आके आप ले सकते हैं। 175 में बहुत ही अच्छी कलेक्शन है इनके पास में। ये मैच कर सकता है उसने फीलिंग ऐसे आ रही है। यस यस होता है वो जो धागा जो मैंने आपको दिखाया था वो जो ऐसे वाले दुपट्टे थे। ये जो भी है ना इनकी जो शॉप है ना, ये देखिए जितना भी आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह देख रहे हैं ना, बहुत अच्छी वैरायटी है भाई। मेरे जो सेंटर टेबल पर भी रखा हुआ है तो लोग पूछते हैं मुझे कई बार कहाँ से लिया, तो मैंने ये भैया की शॉप से लिया था। तो देखिए इनका जो है ना ये कार्ड वगैरह देखिए, ये देखिए मैं मेंशन कर दूँगी सब ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और देखिए इनका जो नंबर भी है गुरु नानक फ्लावर हाउस के नाम से इनका शॉप ये है। ये तो आप कभी आइए इधर लाजपत नगर मार्केट में, वो जहाँ पर ये खाने का एक स्टॉल है ना जहाँ पर गोल्डन फेस्टा है तो यहीं पर ही इनका शॉप है। तो मैं इसके लिए आपको बता रही थी कि यहाँ पर इतनी अच्छी वैरायटी ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सचमुच के ही फ्लावर है ये। तो बस ये भैया जब भी आपको किसी की जरूरत को यहाँ पर से जाने की तो आप इधर रहिएगा, ठीक है। थैंक यू भैया। तो फ्रेंड्स अब हम आगे थे सभ्यता पे, सेंटर मार्केट में ना सभ्यता का भी उनका एक शॉप है, बहुत सारे हैं जितने ब्रांड हैं वहाँ पर सब आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ना उन्होंने 50% डिस्काउंट पर अपना कलेक्शन दिखाया हुआ था, पर मुझे इतना खास जमा नहीं, क्योंकि था तो वहाँ पे बहुत सारे, लेकिन आपको जो पसंद है, क्योंकि उसमें एक गिने चुने ही बस कलेक्शन रखी हुई थी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ब्लू एंड येलो में ही था, बाकी और इसमें कुछ कोई ख़ास कलर वेरिएशन नहीं थी। तो फिर मुझे इतना पसंद नहीं आया, और जो न्यू अराइवल्स थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव, आप तो जानते हैं कि भाई सभ्यता तो एक्सपेंसिव ही है। तो इसमें अलग अलग दिया हुआ था, जैसे कि आपका जो कुर्ता है उसका अलग से प्राइस है, दुपट्टा है उसका अलग से है, तो फिर 50% डिस्काउंट का कुछ रह नहीं जाता ऐसे। फिर भी मैंने ट्राई किया था, पर येलो मुझे नहीं चाहिए था, कि बिल्कुल पूरा ही येलो था, इसमें और कोई वैरायटी नहीं थी येलो के अलावा। इसी कलेक्शन में ऐसा कुछ नहीं था कि आपको और वेरिएशन के तौर पे कुछ और कलर मिल जाए, नहीं था। वैसे तो सभ्यता में बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई होती है,
पर इसका कुछ अच्छा था। और देखिए अगर आपको अपने घर में इस तरह की चीज़ें चाहिए तो वहाँ पर ना लाजपत नगर पर ये सब चीज़ें मुझे ये मेरे ख्याल से 1 या 1.5 मीटर ये लंबाई में थी। ये जो 70 रुपीज़ ना मैंने 70 रुपीज़ 30 रुपीज़ में 1.5 मीटर के करीब था। तो साथ ही साथ ना मुझे कुछ और भी चीज़ चाहिए थी गाइज। मैंने ना अपने बैल्कनी का थोड़ा सा मेकओवर करने के लिए ना ये इस तरह के जो फेक जो ग्रास होती है ना ग्रीन ग्रास वो मैंने कारपेट लेना था। ये देखिए जो देख रहे हैं और ये मैंने ले भी लिया था है। तो आपने मेरे शूटिंग मतलब कहीं पर आपने मेरा देखा भी होगा तो मैंने इस शॉप से ले लिया था ये। तो बहुत अच्छा निकला है, बहुत अच्छी क्वालिटी है गाइज। अगर आप बहुत कहीं चांदनी चौक वगैरह से जाते हैं तो भी आपको लाने में तो दिक्कत होगी ही क्योंकि आपको उसको लेके आप कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इधर से ही लेके ले लेती हूँ। तो मैंने लेके बस इसी शॉप पे रखवा लिया था फिर क्योंकि मुझे मार्केट जाना था घूमना था। फिर मैंने आते हुए जब मैं घर आ रही थी तो मैंने वहाँ से उठवा लिया था। तो बहुत अच्छा कलेक्शन है और बहुत अच्छी शॉप है ये। और साथ ही साथ में ये देखिए बच्चे के साथ में आएँ और आपकी जेब ना खाली करें तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? वर्जिन मोहितो। कौन सा? वर्जिन मोहितो। वर्जिन मोहितो पता नहीं आपको शायद पता होगा। तो ये सब बनवा रहे थे पीने के लिए। और ये जो शॉप है ना ये ठीक डोलमा आंटी के बगल में ही है। तो डोलमा आंटी के मोमोज के बारे में कौन नहीं जानता। देखो उन्होंने मुझे भी बनाना शुरू कर दिया था, मैंने भी पी लिया यार, मैं भी आज मोजिको पी लेती हूँ। तो गाइज ये जो मेरा वीडियो था आपको कैसा लगा बताना। Laying down under the sun, burning love 'cause we are young. No one tells us what's done wrong, 'cause it's just me and you.